So hey guys, welcome back to our channel. So आज की वीडियो बात करने वाले हैं सनस्क्रीन के बारे में। अगर आप चाहते हो कि इन सब चीजों के लिए टाइम ना हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तीन बेस्ट सनस्क्रीन जो आपको हेल्प करेगी इन समर्स में टैन फ्री रहने में। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो उससे पहले बात करते हैं सनस्क्रीन के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यूज लेता हूँ बायोटिक का बायोसाइडर 50 SPF, एंड इससे पहले मैं यूज लेता था 30 SPF निविया की 30 SPF, एंड इससे भी पहले मैं यूज लेता था पतंजलि की 30 SPF, जो कि मेरे पास अभी है नहीं। मैं आपको पिक शो कर दूंगा स्क्रीन पे, ठीक। सो ये तीनों क्रीम काफी इफेक्टिव है। अगर मैं आपको बताऊं 50 SPF और 30 SPF में क्या अंतर होता है, तो 50 SPF आपकी स्किन को सर की यूवी रेस से ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, जबकि 30 SPF आपकी स्किन को कम टाइम के लिए कम प्रोटेक्ट करती है। जैसा कि आपको पता है मुझे वॉक के लिए बाहर जाना पड़ता है, 1 घंटे के लिए, 3-4 घंटों के लिए जाना पड़ता है, जिससे मेरी स्किन ज़्यादा धूप में होती है, तो मेरी स्किन पर टैन ना हो, तो इसलिए मैं इसको 50 SPF को अप्लाई करता हूँ अपनी स्किन पर, जिससे मेरी स्किन टैन ना हो, ठीक है। सो अगर आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि आपको ज़्यादा दिमाग घूमना नहीं पड़ता है, तो 30 SPF को प्रिफर कर सकते हो, ठीक है। सो आप अपनी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग किसी भी क्रीम को आपको अप्लाई करना चाहिए। सो अब बात करते हैं आप किस तरह से आप सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हो। तो सनस्क्रीन को अप्लाई करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट है डॉटर करके आपको अपने क्रीम पर लगा लेना, उसके बाद आपको अपनी फिंगर टिप्स से इसको पूरा स्प्रेड कर लेना है। आपको अपने पाम पे लेने की जगह आपको अपने फिंगर टिप्स पे लेनी है सनस्क्रीन, और उसके बाद आपको इसको रब करना है। रब करने के बाद आपको अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है। तो ये दो तरीके हैं किसी भी क्रीम को अप्लाई करने के। सो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपनी स्किन के जो अपनी स्किन टैन हो जाती है कैसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो इससे कौन सी वीडियो के इतना हमें जल्दी मेरे चैनल को कमेंट कर लो, ऐसी वीडियो आगे भी देखा था मेरे साथ।